गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स असेसी हैं, या एक आप कॉमन मैन हैं जो कि बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन है, तो सबके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। काफी इम्पोर्टेंट चेंज और इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो 16 दिसंबर 2019 से इम्प्लीमेंट होने जा रही है। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, जो कि आया है 6 दिसंबर 2019 के डेट में। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम ऑन 24/7 बेसिस की बात की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, तो आपको अभी ये पता होगा कि बैंक्स जो हैं रात में एक टाइम लिमिट के बाद एनईएफटी को नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। इस सिस्टम को अब पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एनईएफटी सिस्टम ऑन 24/7 बेसिस, मतलब पूरे साल एक भी दिन आपको एनईएफटी करने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी होगी ये आपके लिए, क्योंकि अगर आप एनईएफटी करना चाहते हैं, रात में करें, दिन में करें, छुट्टियों के दिन पे करें, हॉलीडेज के अंदर भी अब एनईएफटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे रिलेटेड यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। प्लीज रेफर टू आवर सर्कुलर डीपीएसएस आरपीपीडी नंबर सो एंड सो डेटेड 30 अगस्त 2019 रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एनईएफटी ऑन अ 24/7 बेसिस, मतलब 24 घंटे 7 दिन बेसिस पे वो चलेगा। मतलब हर समय आप एनईएफटी कर सकते हैं और आधे घंटे के बैचेस के अंदर आपका एनईएफटी जो है वो क्लियर होगा। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द अबव फैसिलिटी शैल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 16 दिसंबर 2019 विद द फर्स्ट सेटलमेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर 12:30 आवर्स ऑन 16 दिसंबर 2019, दैट इज नाइट ऑफ 15 दिसंबर 2019। मतलब पहला बैच जो स्टार्ट होगा इसका, वो होगा रात के 12:30 बजे 16 दिसंबर 2019 को। मतलब अगर आप 16 दिसंबर या उसके बाद कोई भी एनईएफटी करते हैं, चाहे रात में आप 2 बजे करें, तो वो आपके आधे घंटे के अंदर क्लियरिंग में चला जाएगा। आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका बिजनेस करने का तरीका काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट जो है वो तुरंत कर पाएंगे और सामने वाले को पेमेंट रिसीव भी हो जाएगी। मेंबर बैंक्स आर एडवाइज्ड टू नोट द फॉलोइंग। तो आपके बैंक जहां पर आपका अकाउंट है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी होगी। देयर विल बी 48 हाफ ईयरली बैचेस एवरी डे, हर दिन 48 के बैचेस होंगे, और वो 48 बैचेस जो होंगे आधे आधे घंटे के बैचेस होंगे। 24 आवर्स के अंदर हाफ हाफ घंटे का आपको बैच दिया जाएगा, मतलब 48 बैचेस आपको मिलेंगे एनईएफटी करने के लिए। द सेटलमेंट ऑफ फर्स्ट बैच विल कमेंस आफ्टर 12:30 आवर्स एंड द लास्ट बैच विल एंड एट 00 आवर्स। रात में 12 बजे से शुरू होके 12:30 बजे तक ये पूरे दिन 24/7 बेसिस पे काम करेगा। द सिस्टम विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द डेज ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग हॉलीडेज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हम लोग हॉलीडेज पे अगर एनईएफटी करते थे, तो वो शेड्यूल होता था नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए। अब ये हॉलीडे वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब मर्जी चाहें एनईएफटी करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आफ्टर मेकिंग यूजुअल बैंकिंग आवर्स ऑफ बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस इनिशिएटेड यूजिंग एसटीपी प्रोसेस स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड्स बाय द बैंक्स। अगर आप सुबह 9 बजे से लेके शाम में 4-5 बजे तक एनईएफटी करते हैं, तो वो बैंकिंग आवर्स के दौरान जो है एनईएफटी आपका बैच में क्लियर किया जाएगा। जब बैंकिंग आवर्स खत्म हो जाएगा बैंक्स का, तो वो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में चला जाएगा, जैसे कि एमसीए और आरओसी के अंदर होता है। अगर आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो वो एसटीपी मोड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड से अप्रूवल आपकी
मिल जाती है। उसी मोड में अब आपका एनईएफटी भी कंडक्ट किया जाएगा। इससे अगर आपको जीएसटी का पेमेंट करना होता है एनईएफटी या आरटीजीएस करके, तो अब आप छुट्टियों के दिन में भी एनईएफटी जो है वो कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जीएसटी का जो टैक्स पेमेंट है उसको करने के लिए भी काफी अच्छी राहत जो है वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जीएसटी का ड्यू डेट आ गया और आप 3B फाइल करना चाहते हैं, और जीएसटी आर 3B जब फाइल करने जाते हैं तो आपका टैक्स पेमेंट जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, हॉलीडे होता है, तो आप एनईएफटी करके टैक्स पेमेंट नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं अपनी जीएसटी आर 3B को फाइल करना, तो आप उसके लिए क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें पेमेंट चालान जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है एज पर न्यू रूल 88A, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करके किया जाता है। The existing discipline for crediting beneficiary's account or returning the transactions within 2 hours of settlement of the respective batch to the originating bank will continue. यहाँ पे जो भी अगर आपके crediting करना है beneficiary के account में, उसके अंदर within 2 hours जो क्रेडिट होगा उसके अंदर विदिन 2 आवर्स का टाइम अभी भी लगेगा, पहले भी लगता था, या फिर अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो विदिन 2 आवर्स जो आपका ओरिजिनेटिंग बैंक है मतलब पेयर का बैंक में पैसा जो है वापस आ जाएगा। मेंबर बैंक्स विल एंश्योर सेंडिंग ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन मैसेज फॉर ऑल द एनईएफटी क्रेडिट्स। जितने भी एनईएफटी क्रेडिट सक्सेसफुल होंगे सबका सक्सेसफुल मैसेज आपके फोन में मैंडेटरली भेजा जाएगा। All provisions of NEFT procedural guidelines will be applicable for NEFT 24/7 transaction as well. जो भी नियम NEFT transactions के लिए लगते थे, अब वो सारे के सारे नियम NEFT 24/7 transactions के लिए भी लागू किए जाएंगे। Member banks are expected to keep the adequate liquidity in their current account with the Reserve Bank of India at all times to facilitate successful posting of NEFT batch settlements. अब banks को ये बताया गया है कि RBI के पास sufficient balance maintain करना है current account के अंदर, ताकि जो payment है वो NEFT का clearance जो है successfully और smoothly conduct किया जा सके। Member banks are also advised to initiate necessary action and ensure availability of all necessary infrastructural requirements at their end for providing the settlement of NEFT 24/7 facility to their customers. Bank may disseminate this information on the extended timings for NEFT to all their customers. Bank को ये advice किया गया है कि आप अपनी infrastructure को तैयार कर लीजिए 24/7 NEFT facility को provide करने के लिए, और customers को जो है information share किया जाना चाहिए। अब ये आप समझिएगा कि ये चीजें क्यों की जा रही हैं। जीएसटी के लिए मैंने आपको बताया कि टैक्स पेमेंट का चक्कर जो है वो अब खत्म हो जाएगा, अब आप जब मर्जी चाहे एनईएफटी से करके जीएसटी का पेमेंट कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं एक सेक्शन जो टैक्स सेक्शन है 269SU, जो कि 1 नवंबर 2019 से इंप्लीमेंट किया गया है इनकम टैक्स के अंदर। ये कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस shall provide facility for accepting payment through the prescribed electronic modes in addition to the facility for other electronic modes of payment if any being provided by such person if his total sales turnover or gross receipts as the case may be in the business exceeds 50 crore rupees during the immediately preceding previous year। मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आप अगर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन देते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, चाहे आप किसी भी तरीके का मोड देते हो, उसके अलावा आपको स्पेसिफाइड मोड भी देना है जिसमें एनईएफटी का मोड भी मैंडेटरी किया गया है। मतलब आपको अब कस्टमर को ये बताना होगा कि अगर आप ये इनवॉइस लेते हैं क्योंकि मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी कर सकते हैं। जब ये प्रोविजन यहाँ पे 1 नवंबर से लागू हो गया तो दिक्कत ये आ रही थी कि एनईएफटी जो है अगर वो हॉलीडे की पीरियड में करता है तो पेमेंट आने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता था, अगर वो नेक्स्ट डे रात में करेगा तो वो शेड्यूल होता था वर्किंग डे के लिए। तो इन सारी झंझटों को देखते हुए 269SU के प्रोविजन को देखते हुए अब RBI ने ये कदम उठाया है कि एनईएफटी का जो पेमेंट होगा वो 24/7 बेसिस में होगा, उसके अंदर कोई भी छुट्टी की लिमिटेशन,
कोई भी टाइम पीरियड की लिमिटेशन जो है वो अब नहीं होगी। तो इन सारी चीजों को समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और ये अच्छी खबर निकल के आई है आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, नहीं तो काफी लोगों को नुकसान जो है वो हो सकता है और जो मेजर बेनिफिट हो सकता है उससे वो वंचित रह जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज आती हैं तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप सर्विसेज ले सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।